जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो किनारे पड़े हैं किन्हीं कारणों से, किन्हीं वजहों से। लेकिन जब आप किसी को मुख्यधारा में काम करने का अवसर देते हैं, तब उसकी प्रतिभा का, उसके काम का असली मूल्यांकन होता है और दिखता है कि हमने किस अफसर को कहाँ बैठा रखा था। आज फिर से बात उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में लंबे समय तक साइडलाइन रहे अफसर डॉक्टर हरिओम की। डॉक्टर हरिओम पिछले 5-6 सालों से किनारे थे, उनके पास काम के नाम पर ज़्यादा कुछ था नहीं, सामान्य प्रशासन विभाग में थे। माना जाता है कि सरकार जिनसे नाराज होती है उनको इस तरह से किनारे डाल देती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने डॉक्टर हरिओम पर एक बार फिर से भरोसा जताया और भरोसा जताने के बाद मात्र लगभग 2 महीने हो रहे होंगे, डॉक्टर हरिओम इसमें सुर्खियों में हैं। वो सुर्खियां बटोर रहे हैं अपने काम से। जो विभाग उनको मिला है समाज कल्याण का, वो वाकई में काम करने का जो वहाँ अवसर है उसको हरिओम ने अब साबित करना शुरू कर दिया है। उनके जीवन के, उनकी कार्यशैली के 2 महत्वपूर्ण पहलू भी हैं। वो अपनी नौकरी और पैशन दोनों के लिए जाने जाते हैं। काम के मामले में वो संवेदनशील बने हैं और उनका काम सोशल मीडिया पर भी और सरकार में भी दिखने लगा है, और दिखने इसलिए लगा है कि एक अफसर के रूप में आप प्रसिद्धि बहुत चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गरीब की मदद करके, कमज़ोर की मदद करके, जिनको पूछने वाला कोई नहीं, बुज़ुर्गों के साथ जो लोग समय बिताते हैं, वो दर्शाता है कि ब्यूरोक्रेसी में उच्च पद को हासिल करने के बाद भी आम आदमी के जीवन की क्या कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, और सरकार कैसे जनता के द्वार पर, गरीब आदमी के द्वार पर पहुँचे, उसको लेकर हरिओम लगातार काम कर रहे हैं। आज वो चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बहुत नाम हैं, उनके एल्बम्स हैं तमाम जिन्होंने मार्केट में धूम मचाई है, उनके पैसे से उनको देश विदेश में बहुत जगहों पर बुलावा है, बहुत सारा नाम कमाया, प्रोग्राम किया उन्होंने। लेकिन इस शौक के साथ साथ सरकारी नौकरी की जो जिम्मेदारी है, एक सरकारी सेवक के सामने जो कठिन चुनौतियाँ आती हैं, जो उनके कंधों पर प्रशासनिक बोझ होता है, उसको उन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाकर सरकार की उम्मीदों पर खरा उतरना, तालमेल बिठाना और कामयाब रहना और करके दिखाना, ये डॉक्टर हरिओम ने शुरू कर दिया है। डॉक्टर हरिओम समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बनाए गए और वो दूसरे ऐसे प्रमुख सचिव हैं आज़ादी के बाद, जब वो किसी वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ पर बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और वो बुज़ुर्ग भी उन्हें खुलकर आशीर्वाद देते हैं। ये सरकार के भरोसे का नतीजा है जो मुख्यमंत्री ने उन पर जताया है। उनको एक विभाग का प्रशासनिक मुखिया बनाया और समाज कल्याण में लोगों के कल्याण का काम दिया, और उस काम को अव्वल दर्जे पर रहकर कैसे करना है, 2 महीने में समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं में उनका ये असर दिख रहा है। उनके पास वृद्धाश्रम है, अनुसूचित जातियों के लिए काम करने का काम है, गरीब बच्चों के, अनाथ बच्चों के लिए करने का है, महिलाओं के लिए। पिछले 2 ऐसे मामले आए जब हरिओम ने वृद्धाश्रमों में लोग जो अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, जिन लोगों ने, जिनको वो देखने तक नहीं जाते, वहाँ एक प्रमुख सचिव लेवल का अफसर, सरकार का शीर्ष अफसर पहुँचता है, उनके खाने की व्यवस्था देखता है, उनको बेहतरीन खाना मिलता है, उनके रहने के, उनकी सुविधाओं पर बातचीत करता है, समय गुजारता है उनके साथ। दूसरा मामला आया करवा चौथ का। ऐसी बहुत सी माताएं हैं जो वृद्धाश्रम में पड़ी हैं, अनाथ की तरह हैं, उनके बच्चे उन्हें नहीं पूछते, उनके पति जिंदा हैं, वो भी शायद वृद्धाश्रम में हैं, उनको उन्होंने एक मौका दिया करवा चौथ मनाने का त्यौहार। बुजुर्ग, बच्चे, जवान सबके लिए बराबर है, सबके मन में उमंग होती है, और एक अफसर ने इस भावना को समझा, इसलिए उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि हम लोक कल्याणकारी राज की बात करते हैं। उस कल्याणकारी राज में जो ये तस्वीरें हैं वो एक अफसर की सोच को दर्शाती हैं। डॉक्टर हरिओम एक ऐसे अफसर की तरह, एक बच्चे की तरह उस आश्रम में गए जहां उनसे सब बड़े थे,
बुजुर्ग दादा दादी जो 100 से ज्यादा उन लोगों ने जिन्होंने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, तो जिनका अपना परिवार जिन्हें छोड़ चुका हो, अगर सरकार उनको सहारा दे रही है और अफसर उसकी निगरानी करने पहुंच रहा है, तो इससे ज्यादा सरकार किसी जनता के द्वार पर क्या हो सकती है। सरकार के साथ साथ प्रमुख सचिव को भी खुलकर आशीर्वाद मिला। ये अफसरों को इस तरह की काम करने भी चाहिए, तो ऐसे अफसरों की सोच को आप सलाम करिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इन अफसरों को तराश कर बाहर लाने के लिए भी लोगों को आभार जताना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी को अवसर नहीं देंगे तब तक उसके काम का मूल्यांकन कर पाना कठिन है।